हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के एमपी, हमारे देश के विधायक, हमारे देश के काउंसलर, मतलब वीआईपी कल्चर के जितने भी लोग हैं, उनको अगर कोई गाड़ी पसंद है तो वो टोयोटा प्रोडक्ट में या तो फॉर्च्यूनर को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज वो लैंड क्रूजर को ही कंसीडर करेंगे। इसका कोई कंपैरिजन नहीं, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है दोस्तों, ना ही इसका कभी कोई प्राइस का इशू होने वाला है कस्टमर्स को कि भाई इसका प्राइस इतना है। कस्टमर ने लेनी है तो लेनी है। अंडर वारंटी कार है टोयोटा से ही, 28 साल वारंटी में भी है। ओके, जिसको चलानी है, डेली यूज करनी है, लाख चलाना है, 2 लाख चलाना है, 3 लाख चलाना है, चलाई जाओ, इससे कुछ नहीं होता। ये 10 लाख भी चल जाएगी, 10 लाख भी चल जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं यार दोस्तों, मैं क्या बताऊं, ये तो भरी भरी है फीचर्स से, इसमें बहुत सारी चीजें हैं बताने को। ये स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, हाँ। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, हाइब्रिड मशीन है, इंजन साउंड ही नहीं होता है इसमें, पेट्रोल प्लस हाइब्रिड। अब ये पेट्रोल पे थी, अब ये दोबारा बैटरी पे चली गई, ऑटोमेटिकली बैटरी पे जाती है, ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे चली जाती है। ये तो हुड है ही नहीं सर, मतलब ये तो कितना छोटा सा इंजन दिखा, ये है इसका इंजन, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, देखो हाइब्रिड, तो ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज करी गई है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है माई कंट्री मार्ट के ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम लोग आए हुए हैं ऑटो बेस्ट इम्पीरियो, और आज हमने आपको दिखाना है टोयोटा के दो ऐसे प्रोडक्ट जो टॉप क्लास प्रोडक्ट होते हैं, टोयोटा के सबसे ज्यादा मतलब ट्रेंड में रहते हैं ये प्रोडक्ट, जिसमें है एक प्रोडक्ट हमारे पास लैंड क्रूजर और एक है वेलफायर। दोनों को कंपेयर करेंगे और दोनों की जानकारी आज आपको देंगे और देखेंगे कि दोनों में क्या क्या फर्क है और किस प्राइस रेंज की हैं ये गाड़ियाँ। साथ है शिवम भाई फ्रॉम ऑटो बेस्ट इंपीरियो। शिवम भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? शिवम भाई मैंने अभी एक बात कही कि मतलब टॉप क्लास मतलब टोयोटा के प्रोडक्ट हैं वो एलसी है और वेलफायर है। बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स को ये बताओ कि एलसी और मतलब वेलफायर में क्या फर्क है और कौन से यूज की है गाड़ियाँ? सर दोनों ही यूज की गाड़ियाँ होती है वैसे तो, जिसको शॉफर चलना है, ड्राइवर के साथ चलना है, ये लग्जरी कम्फर्ट कार होती है वेलफायर, ठीक है, लग्जरी वैन है, मतलब रिक्लाइन होकर बैठो आराम से, कुछ नहीं, बहुत सॉफ्ट होती है, अमेजिंग ड्राइविंग होती है इसकी, लग्जरी फील, इसको लग्जरी फील चाहिए, ठीक है जी। और चलो उधर ये होती है लैंड क्रूजर, हाँ जी, 300 न्यू शेप है, जिसको खुद ड्राइव करनी है, जिसको पंच चाहिए, जिसको लुक चाहिए कार के अंदर, हाँ जी, रोड प्रेजेंस चाहिए, वीवीआईपी जो भी होते हैं वो एलसी प्रेफर करते ही करते हैं। मतलब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे देश के विधायक, हमारे देश के काउंसलर, मतलब वीआईपी कल्चर के जितने भी लोग हैं, उनको अगर कोई गाड़ी पसंद है तो वो टोयोटा प्रोडक्ट में या तो फॉर्च्यूनर को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज वो लैंड क्रूजर को ही कंसीडर करेंगे। उसका रीजन ये भी है क्योंकि देखो ये गाड़ी अगर पॉलिटिशियन यूज करेगा तो वो बहुत ज्यादा इसको चलाएगा, बहुत ज्यादा स्टेट में लेके जाएगा, इधर से उधर चलेगी, तो गाड़ी सर्विस भी मांगेगी। बिल्कुल शिवम भाई, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है? मेंटेनेंस कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली बहुत माइनर, 15 से 20 हज़ार, 15 से 20 हज़ार इस साल में एक बार करनी है वो भी, साल में मतलब किलोमीटर आप जितने करते जाए, 10,000 पे भी अगर आप 10,000 पे करवा लो वैसे तो बेटर रहती है, अगर कोई लॉन्ग टाइम चलानी है या तो 10,000 पे करा लो या एक साल में 10,000 में तब करा लो। ये प्रोडक्ट पहले वीआईपी लिया करते थे और आज भी लिया करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वीआईपी कल्चर में फॉर्च्यूनर नहीं, एवरग्रीन कलर, एवरग्रीन कार है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है दोस्तों, ना ही इसका कभी कोई प्राइस का इशू होने वाला कस्टमर्स को कि भाई इसका प्राइस इतना है, कस्टमर ने लेनी है तो लेनी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसकी नहीं, उन दोनों की, हालांकि ये भी यहाँ पे अवेलेबल है फॉर सेल, आप लोगों को अगर ये गाड़ी चाहिए तो ये भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। अब एक चीज जो है ना, जो मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगती है, वो ये है कि जो की टोयोटा बनाता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है पता लगाना, हालांकि बेसिक होती है, इसमें तो मैं पता लगा लूंगा क्योंकि उसमें एक रीजन है। अब ये है एलसी की, तो इसके पीछे भी लिखा हुआ है लैंड क्रूजर। अब यहाँ पे आपको एडिशनल चीजें मिलती हैं, जैसे लॉक हो गया, अनलॉक हो गया, और ये लेफ्ट राइट के डोर हो गए, ये भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, देन पीछे यहाँ पे वेलफायर लिखा होता है। अब अगर बात करूं अगर फॉर्च्यूनर की तो फॉर्च्यूनर की जो की है वो भी बिल्कुल एज इट इज ऐसी ही होगी। मैं अभी मंगाई है आपके लिए ताकि आपको पता लगे कि टोयोटा जो है वो लग रहा की में ज्यादा मतलब पैसे नहीं खर्चता, पैसे नहीं, मतलब उनको मतलब डिजाइनिंग का इतना वो नहीं है। अब ये हमारे पास एक और की आ गया, तो ये देखो ये होगी जी फॉर्च्यूनर की, ये देखो इधर से सेम, अगर फ्रंट से एलसी और इसको मैं कर दूं तो ये देखो
पहचानना थोड़ा सा है। अगर मैं ऐसे कर दूं, थोड़ा ऐसे ऐसे पीछे से यूं कर दूं और बताऊं, पूछूं आपसे, बताइए कि कौन सी है, कोई नहीं बता पाए, नहीं बता पाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात सिर्फ की नहीं है, बात है इन गाड़ियों की, इनकी रिलायबिलिटी की। टोयोटा अपने नाम से बिकता है इंजन टोयोटा के, कहते हैं कि इंसान पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब जनरेशन चेंज हो जाती है, लेकिन टोयोटा की गाड़ी साथ रहती है, सेम रहती है, उसको जितना मर्जी चलाते रहो, लंबी रेस के घोड़े हैं ये। सही है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इसकी, लैंड क्रूजर की। तो शिवम भाई शुरू से शुरू करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। ये है 22 मॉडल, 22 मैन्युफैक्चरिंग, 23 रजिस्टर्ड है, अंडर वारंटी कार है टोयोटा से ही, 28 तक वारंटी में भी है। ओके, जिसको चलानी है, डेली यूज करनी है, लाख चलाना है, 2 लाख चलाना है, 3 लाख चलाना है, चलाई जाओ, इसे कुछ नहीं होता। ये 10 लाख भी चल जाएगी, 10 लाख भी चल जाएगी ये। सच है। टाइम से सर्विस चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए। और मतलब इतनी लो मेंटेनेंस गाड़ी, मतलब लोग वाकई कहते हैं कि करोड़ों रुपए कोई क्यों खर्चे यार, अगर करोड़ों रुपए खर्च के इतनी लो मेंटेनेंस मिल रही है तो डेफिनेटली आपको मजा आएगा। वैसे यहाँ पे एक ओल्ड शेप की भी लैंड क्रूजर अवेलेबल है, बस 2 अवेलेबल है। हाँ जी। और ये सिर्फ 70-80 कार्स ही आई है पूरे इंडिया के अंदर, कुछ ही यूनिट्स आई हैं। हाँ जी, मेरे पास रीसेल में भी आ गई है वो कार्स। अगर इसका फ्रंट अगर लुक की बात करो ना, तो इन कैमरा तो आप देख ही पा रहे हो इसका लुक, मतलब अगर जैसे हम खड़े हैं इसके पास तो आपको पता लग रहा होगा कि कितनी मतलब बल्कि कितनी मैसिव लुक है। आइए अंदर बैठते हैं शिवम भाई, अंदर से थोड़े बहुत फीचर समझते हैं, बाकी मैं आपको थोड़ा सा एक बार साइड प्रोफाइल भी दिखाऊं, तो इसके अलॉय व्हील्स भी आप देख ही सकते हो। आप बैठते हैं इसके अंदर, तो ये गए जी हम इसके अंदर। तो शिवम भाई ये पूरी गाड़ी स्टॉक ही है, पूरी कार स्टॉक है, जिस तरह से कंपनी से आती है, एज इट इज के एज इट इज है। जिस टाइम आप नई गाड़ी परचेज करना चाहते हैं उसके अंदर आपका ऑप्शंस होते हैं, इंटीरियर कौन से कलर का रखवाना है आपने। अच्छा, इंटीरियर का ऑप्शन होता है। हाँ जी, इंटीरियर के ऑप्शन होते हैं। ये पूरा ब्लैक और रेड इंटीरियर है, और इसमें आता है बेज इंटीरियर, 3 कलर के इंटीरियर आते हैं इसके अंदर। सही है, सही है। जो हमारे पास जो दूसरी वाली एलसी है उसका सेम इंटीरियर है, उसका भी यही वाला ब्लैक और रेड का इंटीरियर। सबसे प्रीमियम वैसे यही वाला इंटीरियर है अकॉर्डिंग टू मी। वैसे बेज भी लोग प्रीमियम ही कहते हैं, ब्लैक तो खैर सबकी अपनी अपनी चॉइस है। देखो बिल्कुल, अब बात करते हैं लैंड क्रूजर की, जो यहाँ पे अवेलेबल है इसके अंदर क्या क्या फीचर मिल जाते हैं। कंप्लेंट रहती है लोगों की टोयोटा जो है वो फीचर नहीं देता, लेकिन अगर आप लैंड क्रूजर को और वेलफायर को देखोगे ना, तो आपको यकीन हो जाएगा कि भी फीचर में मतलब वर्क करता है। वो तो लोग फॉर्च्यूनर को देख के सोचते हैं कि यार फॉर्च्यूनर में तो कोई फीचर नहीं आते, तो टोयोटा की किसी गाड़ी में फीचर नहीं आता। देखो फॉर्च्यूनर में सनरूफ नहीं आता, आपको सनरूफ यहाँ पे मिलता है। सर 17-18 स्पीकर्स लगे हुए हैं JBL के। हाँ जी, JBL का सिस्टम लगा हुआ है, अमेजिंग ड्राइव होती है कार की और अमेजिंग साउंड है कार की। स्क्रीन टच मिलेगी, एप्पल का भी एंड्रॉइड का भी दोनों मिलते हैं इसके अंदर। स्टीयरिंग जैसे आप कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग भी इलेक्ट्रॉनिक है, स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिक है, वायरलेस चार्जिंग मिलती है, वायरलेस चार्जर मिलता है, वेंटिलेटेड सीट्स उनके पास आज भी कुछ कलेक्शन होता है सीडीज का। दुबई वगैरह में जाएंगे ना, दुबई वगैरह तो मोस्ट चलती ही एलसीज है, तो सारी ऑफ रोडिंग एलसी से ही होती है। करेक्ट करेक्ट, मतलब वो डेजर्ट सफारी करते हैं तो सारे एलसी से ही करते हैं वहाँ पे, तो उनका बड़ा प्रोडक्ट है। सही है। अब जैसे इसके अंदर ना ड्राइविंग मोड भी आते हैं, अगर आप इधर आएंगे तो डिजिटल मीटर पे आप देख पाएंगे, इको मोड भी है इसमें, कंफर्ट मोड है, नॉर्मल मोड है, स्पोर्ट प्लस है, कस्टम भी है इसके अंदर, और गाड़ी चली हुई है 11,000 किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड। और मैं ये समझता हूँ कि 11,000 इज नथिंग फॉर एलसी, एलसी मतलब स्टार्ट भी नहीं हुई चलनी, स्टार्ट भी नहीं हुई चलनी, मतलब नो यूज, किसी ने यूज ही नहीं करी। अब पीछे से एक बार थोड़ा सा आपको स्पेस दिखाते हैं कि पीछे से क्या क्या चीजें इसके अंदर अपने को मिलती है। तो पीछे भी शिवम भाई, पीछे जो स्क्रीन लगी हुई है, कुछ भी आफ्टर मार्केट नहीं है, 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल है, पीछे वाले कंट्रोल पीछे से कर सकते हैं, इसी का आगे से भी कर सकते हैं, पीछे वेंटिलेटर मिलती है कुछ। ओके ओके, स्क्रीन्स दोनों टच रहती हैं, जो आगे पैनल्स चल रहे होते हैं वो सेम पीछे चल रहे होते हैं। ठीक है। JBL का सिस्टम 17-18 स्पीकर्स लगे हुए, पूरी सराउंडिंग साउंड रहती है। ओके, अमेजिंग ड्राइव होती है, मतलब इस गाड़ी में कुछ चीज की कमी नहीं है, जो भी चीज चाहिए सब मिलेगा इसके अंदर भाई। वाकई मतलब कितनी बढ़िया, मतलब अगर आप देखोगे तो मतलब टोयोटा एक प्रोडक्ट बनाता है मतलब अच्छा ना। अब इसके अंदर JBL का ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है, मतलब ऑर्डिनरी लगा हुआ। अब एक बार पीछे देखते हैं ये बैक से इसको, तो पीछे जो इसका लुक है कि अगर जैसे कोई हम लोग रैली में जाते हैं या फिर कोई पॉलिटिशियन के साथ जाते हैं, पहले वाली जो एलसी थी जो ओल्ड स्कूल थी उसमें डबल आपको मिलता, मतलब वो डबल मिलता था उसके अंदर, जो उसके गेट होते थे डबल खुलते थे। अब इसके अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रिक टेल मिलता है इसमें भी, 5-सीटर गाड़ी और मैसिव बूट है भाई, मैसिव मतलब इसमें तो आप लेट जाओ आराम से, सीरियसली लेट भी आते इतने बंदे आराम से, 2 बंदे आराम से इसमें लेट जाएंगे, इतनी बड़ी बूट स्पेस है, बहुत बड़ी है ये। इन पर्सन अगर आप देखोगे ना इसको एलसी को, तो आपको यकीन होगा कि वाकई में मतलब ये कितना जॉइंट मशीन है। हम इसके साथ चल रहे हैं, आप इसे खुद देखो आके, पहले LCs में ना एयरबैग के सस्पेंशन से बड़ी कंप्लेंट आती थी, अब तो इसमें तो हटा ही दिया ही नहीं है। हाँ। अब इसमें है ही नहीं वो चीज। और ये 3 लीटर आती है, 3.3 लीटर है V6 के अंदर। एक ही मॉडल आता है ZX 300 जो LC का आता है, इसके अलावा कोई
ऑप्शन ही नहीं है। वही है कि इंटीरियर के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप बेज ले लो, ब्लैक ले लो और ये ले लो, अदरवाइज टोटल गाड़ी सेम ही मिलेगी, चाहे आप नई ले लो। खैर नहीं तो कैसे ले लोगे, नई इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल, ओनली हेयर अवेलेबल। बताइए, इम्पोर्ट करवानी पड़ जाएगी, ये भी इम्पोर्टेड ही है। बिल्कुल वाइसी बन के आती है जी। डील बता दीजिए, शुरुआत से शुरू करते हैं। 22 मैन्युफैक्चरिंग, 23 रजिस्टर्ड, डीजल वेरिएंट है, सिंगल ओनर, अंडर वारंटी कार है टोयोटा से ही, सिर्फ 11,000 चली हुई कार है। ओके, आस्किंग जो है इसकी 260.75 की है, अगेन नेगोशिएबल है प्राइसेस। अब आइए शोरूम पे, गाड़ी देखिए, डन करेंगे डील। बहुत बढ़िया, अब ये तो हमने दिखाई आपको LC। अब दूसरी गाड़ी की चाबी निकालता हूँ मैं, जो कि रहेगी हमारे पास। अब है हमारे पास दोस्तों एक ऐसी गाड़ी जिसके दरवाजे भी जो है वो की से खुल जाते हैं। एक तो देखो रोल्स रॉयस के दरवाजे होते हैं, वो भी एक अलग डिफरेंट दरवाजे होते हैं, बट एक ये वाले डोर होते हैं। देखो आई डोंट नो कि इससे वो वाला खुलेगा ये वाला, लेट्स ट्राई इट। अनलॉक करते हैं, सही खोल दिया। ये देखो ये अलग ही चाहिए दोस्तों, ये लग्जरी वैन है। क्या ये बंद हो सकता है इससे? बिल्कुल होएगा, हकीकत में होगा भाई बंद। ये बहुत बढ़िया, देखो अकॉर्डिंग टू मी, जैसे अगर मेरे को गाड़ी चलाने का शौक नहीं है तो मुझे यही ले, जैसे बिजनेस क्लास जाना है, मीटिंग्स करनी है। लेकिन एक चीज भी है, एक चीज में फिर कंडीशनल ये चाहिए, देखो ग्राउंड क्लियरेंस का भी थोड़ा, आप इसको ऐसी जगह भी नहीं ले जा सकते जहाँ मतलब ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी। हाँ, कहीं आप ये सोचो कि ऑफ रोडिंग करना है, हाईवे के लिए 1,000 किलोमीटर का हाईवे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको थकान नहीं हो सकती इस गाड़ी में। इस गाड़ी को जरा स्टार्ट भी करेंगे हम अंदर बैठते हैं शिवम भाई और मैं, तो ये अब इस गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं। तो इस गाड़ी को जब स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं यार दोस्तों, मैं क्या बताऊं, ये तो भरी पड़ी है फीचर्स से, इसमें बहुत सारी चीजें हैं बताने को। लिटरली ये स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, हाइब्रिड मशीन है, इंजन साउंड ही नहीं होता है इसमें। पेट्रोल प्लस हाइब्रिड, जैसे मर्जी यूज करो, डेली ड्राइव करो, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 ओवरऑल टोयोटा है। डेली 1-2 लाख चला देंगे भाई हम? सर साल में चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। डेली कैसे चलाओगे? साल में भी नहीं चला सकता, साल में नहीं चला सकता कोई बंदा। जिसकी ड्राइविंग ज्यादा है चलो वो चला भी दे, उनके यूजेज पे डिपेंड है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अपने आपको बहुत बड़ा 30 मार्क का समझता हूँ ना गाड़ी चलाने का, अगर वो भी इसे चलाता रहेगा ना तो वो थक जाएगा, वो थक जाएगा, इसने नहीं थकना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन टाइम टू टाइम बस सर्विस कराते रहो, टाइम सर्विस चाहिए गाड़ी को, और कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर। चलो शिवम भाई ओवर टू यू, अब एक एक करके जरा फीचर इसके एक्सप्लोर करते हैं। फीचर्स की लिस्ट बहुत लंबी है, स्टार्टिंग करते हैं इसके सनरूफ से। चलो सनरूफ से कर लेते हैं, पहले स्टार्ट बताइए। सनरूफ पूरी खुलती है, यहाँ तक ओपन स्पेस रहती है, यहाँ से हाँ खोलो खोलो, ये लो जी सनरूफ खोल के खाते हैं आपको। तो ये होगी जी अपनी सनरूफ, जो कि डबल डबल है इसके अंदर। ये सनरूफ होती है, आगे मूनरूफ होती है, आगे थोड़ी सी वेंटिलेशन के लिए होती है, से वो ऊपर से अप हो जाती है। और ये वाली जो सीट को अगर हमें मूव करना हो तो ये होते हैं इसके कंट्रोल्स, ये है जादू की चप्पी। रिक्लाइनर सीट्स होती हैं, हीटेड एंड कूल दोनों रहेंगे, वेंटिलेटर भी है, मेबैक से भी सब, पूरी मेबैक से ऊपर ही लगती है मेरे को तो। ये मतलब इसकी जो सीट है वो मतलब कुशनिंग बहुत सॉफ्ट है, काफी अच्छी कुशनिंग है, और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। और इसके अंदर एक और चीज भी है, आप अपनी वीडियो भी चला सकते हो। वो कैसे, मैं वो भी बता देता हूँ। इसके अंदर आप मेमोरी, आपका जो मिरर लिंक होता है ना, अपने फोन से मिरर लिंक कर सकते हो, उसमें ऑप्शन होता है। करेक्ट करेक्ट, वीडियो वगैरह चलानी है फोन से तो यहाँ पे आपकी वीडियो चल जाती है। छोटी सी टेबल है अपनी, ईटिंग टेबल, कुछ रख के खाना है, लैपटॉप के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ देखो ये पूरी वेंटिलेशन, देखो यहाँ से आप कर सकते हो, सीट वेंटिलेट करनी है आपको, इधर से कर सकते हो, हीट करनी है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो ये सारे कंट्रोल यहीं से हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, ये गाड़ी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 सीटर है गाड़ी, 6 सीटर, 6 सीटर गाड़ी है, मतलब आपके बच्चे भी अगर आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं बिल्कुल, तो नो इश्यू एट ऑल। कि ऐसा नहीं है कि आपने और आपकी वाइफ है, आपका फ्रेंड है और उसकी वाइफ है, आप 4 लोग हैं और बच्चे भी आपके साथ, कैसे मैनेज करोगे? तो पीछे भी है, पीछे की स्पेस होती है, दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर काफी सारी चीजें ना मतलब बहुत प्रैक्टिकल दी हुई है, अगर आप इधर देखोगे तो। पहले मैं इसको थोड़ा आगे करता हूँ, तो ये एक चीज मुझे मतलब शायद हो सकता है किसी रीजन से इन्होंने दी होगी, ये मैनुअल दी है इन्होंने एडजस्टेबल, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है इसको करना वैसे तो। ये पीछे की हो जाते हैं। अब ये मैं पीछे की अगर सीट की बात करूं तो वैसे तो लोग कहते हैं कि पीछे की चाइल्ड सीट है, बट जहां तक मैं देख पा रहा हूं मतलब मैं सही बैठा हूं, मतलब हमारी हाइट के बंदे आराम से बैठ सकते हैं, मतलब इसमें अप्रोक्सीमेटली 5'10" तक बंदा आराम से बैठ जाएगा। हाँ आराम, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5'10" तक बंदा बैठ जाएगा, 5'5" होगा तो बहुत रिलैक्स पोजिशन बैठेगा। इसी वजह से कंपनी ने सारी चीज यहाँ पे दी है, यहाँ पे ना चिलिंग का भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि एसी वेंट्स भी है यहाँ पे, पीछे कर्टेंस भी लगे हुए हैं, मैनुअल कर्टेंस भी है कि सनशेड के लिए, कि भाई यहाँ ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें पीछे वाले को इसलिए दिए कि वो पीछे वाला यूज कर रहा है इस सीट को, मतलब कंफर्टेबली बैठेगा, बैठेगा। स्काई लाउंज इसके अंदर अपने को दिखता है, जो पूरी अपने को नीचे ऊपर सॉरी रूफ लाइट दिखती है। ये सीट जो है ये इस तरीके से फोल्ड होंगी, पीछे से बूट से निकल के बूट से वैसे फोल्ड होती है। हाँ आइए मैं आपको एक बार बूट खोल के दिखाता हूं तो आपको पता लग जाएगा। तो ये जैसे मैं बता रहा था इसको गेट को बंद करने का तरीके, तो ये देखो इसको पुश करके रखूंगा तो ये अपने आप ही स्लाइड होते चल जाएगी। आओ एक बार बूट दिखाता हूँ, तो ये
ये वेलफायर है तो इसका बूट ओपन करता हूँ। पीछे से लुक इतनी मैसिव लगती है ना कार की, बहुत अमेजिंग ड्राइव आती है। तो ये देख लीजिए, ये मैट भी हम इसके ऊपर रख सकते हैं। ये जो सीट है, अगर हम इसको मैट को यहाँ पे हटा दूँ, ये वाली जो सीट है इसको फोल्ड करके अगर हम लोग चार लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो सीरियसली लगेज इतना ले जा सकते हैं हम कि मतलब कहीं शॉपिंग वॉपिंग भी करके अगर आएंगे ना तो पूरा बहुत भर देंगे। बहुत स्पेस भी काफी अच्छा मिलता है, ये प्रैक्टिकलिटी मिलती है। ये गाड़ी डिजाइन ही ऐसे करी गई है कि आपको मतलब कोई दिक्कत ना हो, किसी की दिक्कत ना हो। भागना पड़ेगा हमें दोस्तों, लग रहा है कोने पे 1 2 3। तो ये देखिए, तो पीछे से बैक प्रोफाइल देखिए एक बार आप इसकी, कितनी सुंदर है। अच्छा, काफी काफी बड़ा है, बहुत बड़ा बूट है। हाँ, इसका डोर जो है पीछे का बहुत मैसिव है, देखो कितनी सुंदर लग रही है। और टॉप एंड वेरिएंट है एग्जीक्यूटिव लाउंज, एग्जीक्यूटिव लाउंज, उसके नीचे बैजिंग भी लगी हुई है। ये लाउंज ही है, और ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाइब्रिड E4, ये ऑल व्हील ड्राइव आती है। हाँ जी, हाइब्रिड है। ऑल व्हील ड्राइव से फायदा ये है दोस्तों, देखो हमारे इंडियन रोड्स की आपको पता ही है वैसे क्या रहता है मैटर, एकदम से बढ़िया रोड चलती रहेगी फिर एकदम से कीचड़ आ जाएगी, और हमारे यहाँ तो मौसम भी इतने सारे हैं कीचड़ में ना फंसे। अगर ये सिर्फ फ्रंट व्हील या रियर व्हील ड्राइव रहेगी तो इसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इस टाइम स्टार्ट है एंड जीरो नॉइज, आवाज ही नहीं है। और जबकि ये अब ये पेट्रोल पे थी, अब ये दोबारा बैटरी पे चली गई, बैटरी पे चली गई, ऑटोमेटिकली बैटरी पे जाती है, ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे चली जाती है। इसमें एवरेज की भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको एक बार खोल के दिखा दो यार। ये है इसका इंजन, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, देखो हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव, तो ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज करी गई है। अब आप ये देखो इंजन देखो, मतलब यार कमाल है, मतलब ये देखो अपने आप ही बंद हो रही है, वो जापानीज है ना, पता नहीं उस दिन फोन कमेंट सेक्शन में कह रहा था कि ये चाइनीज है, मैंने कहा ऐसा तो ना कहे कोई, बीवाड़ी नहीं दिखा रहे सर। बताइए फिर डील सर, मेरे पास वेलफायर की एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, तीन वेलफायर अभी अवेलेबल है मेरे, जिसमें से मैंने सुना है कि एक बुक हो चुकी है, एक बुक हो चुकी है, वो 23 मॉडल था। हाँ जी, ये वाली 22 मॉडल है, मेरे पास 21 मॉडल भी अवेलेबल है। सारी कम ड्रिवन कार है, कोई 7,000 चली हुई है, कोई 8,000 चली हुई, कोई 9,000 चली हुई, कोई 10,000 चली हुई, ऐसी गाड़ियां आई हुई है मेरे पास, तीनों वेलफायर। ठीक है, इसकी बात करूँ 22 मॉडल है, अप्रॉक्सीमेटली 8,000 के आसपास चली हुई है, सिंगल ऑनर है। आस्किंग जो करूँ 109.75 की कर रहा हूँ, अगेन नेगोशिएबल रहेगा प्राइस इसका। 109.75 करोड़ रुपए। ओके, एंड व्हाट अबाउट अगर टोयोटा की बात करें तो एक बार इसका भी प्राइस सुनी लेते हैं सर। ये टोयोटा फॉर्च्यूनर है जी, 20 मॉडल है, BS6 है, 31,000 ड्रिवन है, 4x4 है, सिग्मा, ओके, टॉप मॉडल, टॉप मॉडल, ऑटोमेटिक है। हाँ जी, आस्किंग जो कर रहा हूँ 36.7 कर रहा हूँ, अगेन डीजल वेरिएंट है। बहुत बढ़िया, तो ये था आज का वीडियो जो डेडिकेटेड था टोयोटा ब्रांड को, जिसमें हमने आपको फॉर्च्यूनर भी दिखा दी, वेलफायर भी दिखा दी, देन लैंड क्रूजर भी दिखा दी, यानी टोयोटा के सारे वो प्रोडक्ट दिखा दिए जो टॉप क्लास है। आप लोग आ सकते हैं ऑटो बेस्ट इम्पीरियो, कैसे कॉन्टैक्ट करना है इन गाड़ियों के लिए, कैसे आप बाय कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, तो शिवम भाई आपको बताएंगे। 8885886 पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारे शोरूम भी विजिट कर सकते हैं, हमारे शोरूम लोकेटेड इन रजौरी गार्डन, दो शोरूम्स हैं, 177 पिलर नंबर, 184 पिलर नंबर के बिल्कुल ऑपोजिट है, आप विजिट कीजिए न्यू दिल्ली के अंदर शोरूम। थैंक यू सो मच शिवम भाई, आपने टाइम दिया, आप वेलकम सर, अपने बिजी शेड्यूल से हमारे पास आए वीडियो बनाने के लिए। तो देखते रहिए माय कंट्री मारन, मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।